तो अब हम कंटिन्यू करते हैं फ्री वेबसाइट होस्टिंग, डायनेमिक वेबसाइट। तो उस सर्वर को लॉगिन करने के लिए bij.ht इसमें क्लिक करिए और अब लॉगिन करने के लिए लॉगिन में क्लिक करिए और यहाँ पर ईमेल आईडी दे सकते हैं, जीमेल पासवर्ड टाइप करके लॉगिन प्रेस कर सकते हैं। अब ये सबमिट बटन आने का मतलब है कि आपका लॉगिन हो गया, इसको प्रेस कर दीजिए। लॉगिन होने के बाद ये पहला पेज है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। वेबसाइट की हेडिंग का नाम यहाँ पर है bij.ht होस्टिंग और हमारा नाम यहाँ पर आता है वेलकम अमित अग्रवाल। लॉग आउट करना है तो इधर है और ये आपकी मेनू ऑप्शन है। तो पहला है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो यही स्क्रीन आ जाएगी। पहली स्क्रीन को डैशबोर्ड बोलते हैं, यूज़र की, जो यूज़र लॉगिन करने के बाद जो उसकी स्क्रीन पर्सनल स्क्रीन होती है उसे डैशबोर्ड कहते हैं। अब है आपका होस्टिंग टूल्स। होस्टिंग में इतने सारे ऑप्शंस हैं, वेबसाइट मैनेजर के लिए डोमेन मैनेजर, फाइल मैनेजर और ये अलग अलग है। तो फाइल मैनेजर में जाएंगे तो आप फाइल्स अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, HTML फाइल या PHP फाइल। ईमेल बनाना हो तो ईमेल का यहाँ पर है, डाटाबेस का यहाँ पर है। डाटाबेस के लिए हम PHP MyAdmin4 ये वाला यूज़ करेंगे। इसमें आप SQL स्टेटमेंट्स दे सकते हैं और ये एडवांस और वेबसाइट स्टैटिक्स ये बाद में देख सकते हैं हम। स्टैटिक्स देखना हो कि कितना बैंडविथ यूज़ हुआ तो उसके लिए होता है। तो इसमें ज़्यादातर आपको डोमेन मैनेजर और फाइल मैनेजर ये दो ही काम लगता है। अब थोड़ा नीचे आके हम देखते हैं बाई सर्विसेज और ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं। बाई सर्विस में सर्विसेज, डोमेन, ऑर्डर, बिलिंग, क्लाउड में ऑप्शंस हैं, अकाउंट्स में अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट पासवर्ड, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए ये हमारा स्टैटिक्स है, डिस्क स्पेस हमें टोटल अवेलेबल कराया गया है 1 GB, अभी तक हमने यूज़ किया है 0। ट्रैफिक यानी कि कितनी बार हमारी वेबसाइट्स को लोड किया जा सकता है, हर बार जब लोड होता है तो वो कुछ स्पेस लेता है, तो 5 GB पर मंथ हमें मिलेगा लेकिन अभी तक 0 यूज में है। डोमेन एक हम कनेक्शन कर सकते हैं, एक भी कनेक्शन नहीं किया है। सब डोमेन 3, हम 3 नाम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए amit.com होता है ऐसे 3 नाम। लेकिन सब डोमेन का मतलब है किसी नाम के नीचे, जैसे यहाँ पर me.ht रहेगा उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि amit.me.ht। आपको मैं करके दिखाऊंगा। MySQL का एक डेटाबेस आप बना सकते हैं, अभी तक एक भी नहीं बनाया गया है। और ये PostgreSQL ईमेल, एक ईमेल आप बना सकते हैं, अभी तक एक भी नहीं बना है। अकाउंट एक्सपायरेशन नेवर। और यहाँ नीचे लिखा है डिस्क स्पेस एंड ट्रैफिक स्टैटिक्स आर अपडेटेड आवरली, हर घंटे ये अपडेट होता है। तो ये आपका बेसिक इंटरफेस इस तरीके से है। डाटाबेस को आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, डाटाबेस मैनेजर और फाइल मैनेजर यहाँ से भी खोल सकते हैं, और या फिर मेनू बार से होस्टिंग से यहाँ से भी आप फाइल मैनेजर और डाटाबेस मैनेजर यहाँ से, और ये डाटाबेस का अंदर स्टेटमेंट्स लिखने के लिए। अब हम फाइल मैनेजर में जाते हैं। तो फाइल मैनेजर में जाके हम क्या देखते हैं कि इस साइट पूरा खाली है, कोई भी वेबसाइट का नाम यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक नाम हम रजिस्टर कर लेते हैं फ्री रजिस्ट्रेशन होस्टिंग में जाके डोमेन मैनेजर में। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट, ये देखिए क्रिएट अ फ्री डॉट बिज HT या me.ht। तो HT एक मेन कंपनी है और मी और बिज, मी है आपके पर्सनल यूज़ के लिए
और बीज है बिजनेस के लिए, लेकिन आप कोई भी यूज़ कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्लिक करके देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, चूज़ कर लीजिए बीज डॉट एच टी चाहिए या मी डॉट एच टी, कोई भी लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मी ले लेते हैं और मैं यहाँ पर एक बार कोई भी एक नाम दे देता हूँ, ए बी सी। अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो क्रिएट हो जाएगा। द सब डोमेन नेम इज़ टू शॉर्ट, प्लीज चूज अ लॉन्गर सब डोमेन नेम। बोलते हैं नाम बहुत ज़्यादा छोटा है, थोड़ा बड़ा नाम लीजिए। हम ये नाम देते हैं और कोई नाम लर्निंग देखते हैं, लर्निंग नाम लेता है कि नहीं। क्रिएट द सब डोमेन लर्निंग मी डॉट हैज़ बिन एडिड सक्सेसफुली। तो ये नाम इसने ले लिया। तो अब आपकी वेबसाइट का नाम हो गया है www.learning.me.ht। आप यहाँ पर आके नया पेज में यहाँ पर नाम दे के देखिए, www.learning.me.ht। इसको एंटर करते हैं। तो फिलहाल ये क्या बोल रहा है, गो टू योर कंट्रोल पैनल। अच्छा, ये बोल रहा है कि फाइल वाइल कुछ नहीं है, इसको ऐड करिए। तो आप वापस वेबसाइट में आ जाइए और इसमें आके अब होस्टिंग में जाके आप फाइल मैनेजर में जाएंगे तो देखिए आपको क्या नज़र आएगा। तो देखिए पिछली बार ये बॉक्स पूरा खाली था, अब आपका यहाँ पर learning.me.ht नाम का फोल्डर आ गया। इसको क्लिक करिए तो देखिए पूरा खाली है। अब इसके अंदर आप फाइल लोड्स कर सकते हैं या फाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्रिएट है, अगर आपने अपने कंप्यूटर में बना रखी है तो अपलोड कर लीजिए या फिर क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम, पहली फाइल का नाम इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स डॉट एच टी एम, एच टी एम एल भी रख सकते हैं, एम भी रख सकते हैं। ये बोल रहा है एक्सटेंशन चेंज कर दें, इसको एडिट करिए और इसके अंदर हम एच टी एम एल का एक सिंपल सा कोड लिखते हैं, जैसे कि पी पैराग्राफ के लिए। इसको कॉपी करके स्लैश लगा के यहाँ पर आप कुछ भी लिख लीजिए, माई फर्स्ट वेबसाइट यूजिंग www.bij.ht, ऐसा कोई भी नाम दे दीजिए। इसको एक लाइन में रख लेते हैं, इसको सेव कर दीजिए और इस वेबसाइट में आके आप इसको यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड करेंगे ऐसे पूछेगा, पूछे कहाँ से करना है, तो यहाँ पर चूज़ करके डेस्कटॉप में करके index.htm इसको ओपन करिए। तो देखिए बोल रहा है कि लोड हो गई है, 49 बाइट्स की है, इसको अपलोड में क्लिक कर दीजिए। तो ये फाइल अपलोड हो गई है, अब इसको कैंसिल कर दें। तो देखिए लिस्ट में पहले एक फोल्डर दिखा रहा था सिंगल डॉट का, फिर डबल डॉट का, अब ये देखिए ये फाइल ऐड हो गई है। अब इस फाइल को रन करने के लिए यहाँ पर आके इसको दोबारा रिफ्रेश करिए। तो देखिए रिफ्रेश करते साथ ही वो पेज लोड हो गया है, माय फर्स्ट वेबसाइट यूजिंग www.bij.ht। अब ये जो आपका वेबसाइट बन गई है, आप इसको कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। बस आप किसी भी कंप्यूटर में जाके जहाँ पर इंटरनेट हो www.learning.me.ht ऐसा नाम देते साथ ही आपका पेज खुल जाएगा। अभी मैंने मिनिमम लाइन लिखा है क्योंकि सिर्फ पेज लोड करके दिखाना इस वीडियो का टारगेट है, ना कि वेब डिज़ाइनिंग सिखाना। वेब डिज़ाइनिंग सीखने के लिए मैंने बहुत सारे पहले वीडियोज़ बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो का मकसद है फ्री डायनामिक वेबसाइट का होस्टिंग सिखाना। तो देखिए ऐसे वेबसाइट लोड हो गई है, वापस फिर से इसमें आइए,
इस वेबसाइट इस पेज को हमने अपलोड किया, अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप इसको यहीं का यहीं भी एडिट कर सकते हैं। उसके लिए इस फाइल को सेलेक्ट करके इसमें डबल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इसी का जो नोट पैड है वो खुल गया। देखिए हमने ये कोड लिखा था वैसे ही कोड आ गया। इसमें आप कोई और कोई लाइन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, दिस लाइन इज एडेड फ्रॉम www.bitch.ht। इसको सेव करने के लिए यहाँ पर सेव बटन है, इसको क्लिक कर दीजिए। तो देखिए ये सेव हो गया, द फाइल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब वेबसाइट पे आके, पेज पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दो लाइन आपकी डिस्प्ले होके आ गई। हमने लाइन ब्रेकर नहीं दिया था इसलिए दोनों लाइन एक ही लाइन में आ गया। तो इस तरीके से आप अपने स्टैटिक पेजेस को ऐसे लोड कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको डेटाबेस के बारे में दिखाऊंगा। थैंक यू।